हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इसी महीने के 15 तारीख से बांग्लादेश में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस प्रोटेस्ट में अब तक कुछ 120 से लेकर 130 लोग इसमें मारे जा चुके हैं और लगभग कुछ 600 के आसपास लोग इसमें घायल हुए हैं। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट अपने आप में कितना बड़ा है, कितना मैसिव है। और इन सब प्रोटेस्ट के पीछे का जो वजह है वो रिजर्वेशन है, या इनफैक्ट कह ले अननेसेसरी रिजर्वेशन है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बांग्लादेश में रह रहे भारतीय लोग, जितने भी भारत के लोग अलग अलग देशों में रह रहे हैं, अगर उन सब देशों में कहीं से कोई वायलेंस होता है तो ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी बनता है कि उन सभी लोगों को सेफली इवैक्यूएट करे। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के साथ में, जहां पे गवर्नमेंट के द्वारा कह सकते हैं कि दो तरीके का एडवाइजरी जारी किया गया है। एक तो कहा गया है कि आप जहां भी रह रहे वहां से बाहर ना निकले, और अगर किसी भी तरीके से आपको लगता है कि आप सेफली इवैक्यूएट कर सकते हैं तो आप वहां से इवैक्यूएट करके अपने देश को आ जाएं, और किसी भी तरीके से अगर आपको मदद की जरूरत है तो आप इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दिमाग में सवाल आ सकता है कि एग्जैक्टली भारतीय लोग बांग्लादेश में क्या कर रहे थे, या खास करके जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो वहां पे क्या कर रहे थे। तो ये पढ़ के मुझे भी बहुत ही अजीब लगा कि भारत से लोग बांग्लादेश जाते हैं MBBS की डिग्री लेने के लिए, और मेजरली जो लोग पहुंचे हैं बांग्लादेश वो हमारे यूपी, हरियाणा, मेघालय और कुछ एक बड़ा सेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट से भी लोग गए हैं। अब यहाँ पे कहने का मतलब नहीं है कि बांग्लादेश कैपेबल नहीं है MBBS के पढ़ाई को करने या करवाने के लिए। जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुआ था तब भी एक चीज बहुत ही बढ़ चढ़कर पब्लिश हुआ था, जहां पे ये बताया गया था कि जितना ह्यूज अमाउंट में पैसे देश से बाहर जा रहे MBBS की पढ़ाई करने के लिए, अगर सरकार उसका इक्विवेलेंट या इनफैक्ट उससे भी कम अगर देश में उसी पैसे को इन्वेस्ट करे तो भारत में एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकता है MBBS के लिए। सो पर्सनली अगर बात किया जाए तो मैं किसी भी तरीके से रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन एक पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, वो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट है, वो ये है कि जैसे कि हम हर चीज को समय दर समय रिव्यू करते हैं या अपडेट करते हैं, तो ये भी बेहद जरूरी होता है कि रिजर्वेशन सिस्टम हो या कोई भी और सिस्टम हो, उसे टाइम पे रिव्यू करना चाहिए, उसे टाइम पे अपडेट करना चाहिए, ताकि जो रिजर्वेशन का उद्देश्य है वो पूरा हो सके और रिजर्वेशन सही लोगों तक पहुंचाया जा सके। जहां तक बात किया जाए बांग्लादेश में प्रोटेस्ट का, तो यहां पे अलग अलग रिजर्वेशन को मिलाने के बाद 56% रिजर्वेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि वहां पे जो एक आम जनता है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 44% सरकारी इंस्टीट्यूशन में जगह रह जाते हैं, और इसमें भी जो एक सबसे बड़ा कोटा है वो 30% का कोटा उन लोगों को मिलता है जिनके फैमिली किसी टाइम पे पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़े थे, और जिस जंग में बांग्लादेश को आजादी मिलती, यानी कि बांग्लादेश किसी टाइम पे पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो जरूरी होता है कि जब जिस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया था उस वक्त का सर्कमस्टांसेस क्या था और आज का सर्कमस्टांसेस क्या है। अगर किसी के फैमिली किसी भी तरीके से देश में कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं तो उनके फैमिली को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, लेकिन उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ये चीज थोड़ा समझ में नहीं आता है। और इनफैक्ट जो कोटा का लिमिट है वो भी 30% है, तो 30% अपने आप में एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज हो जाता है। बांग्लादेश में इस प्रोटेस्ट को अगर आप बहुत ही आसान शब्दों में समझना चाहें तो इसको आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है अननेसेसरी रिजर्वेशन, और दूसरा है कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट था वो ड्रास्टिकली घटा है, और तीसरा हर तीन में से दो बांग्लादेशी जो है वो काम करने के लिए तैयार है, यानी कि वर्क फोर्स इनका उस एज ग्रुप में है जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो जो सिचुएशन बांग्लादेश में आज हो रखा है वो कंप्लीट तरीके से एक ग्राउंड क्रिएट करता है जहां पे आम जनता सड़कों पे उतरे और सरकार के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करें। जहां तक बात किया जाए बांग्लादेश में इस प्रोटेस्ट के बारे में, तो ये प्रोटेस्ट लगभग हम कह सकते हैं कि 2018 से ये ऑलमोस्ट शुरू हो चुका था, और आज के डेट में ये एक मैसिव प्रोटेस्ट की तरह निकल के आया है, जहां पे बांग्लादेश में टोटल 64 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें से कि ऑलमोस्ट 47 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। तो ये भी बताता है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा वो कितना मैसिव है। और उसके बाद बात किया जाए तो ये प्रोटेस्ट भी ऑलमोस्ट तीन हिस्सों में हुआ, एक शुरू हुआ जून 1 को, उसके बाद हुआ जून 5 को, और उसके बाद होता है जुलाई 15 को। जुलाई 15 को ये मैसिव प्रोटेस्ट में इसलिए भी कन्वर्ट हो गया क्योंकि जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था
तो बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करते थे, यानी कि वहां के जो आर्मी है उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का रूल रह नहीं पाया बांग्लादेश में और बांग्लादेश को आजादी मिल जाता है, तो वैसे लोग जो किसी टाइम पे पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे वो बांग्लादेश में ही रह गए। तो जिसके कारण क्या हुआ कि उन लोगों को आज के डेट में बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता है और उनके खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क्स भी पास किए जाते हैं, जिनको कि नॉर्मली बांग्लादेश में रजाकार कहा जाता है। और उसके बाद 1971 के वॉर के पहले जिस तरीके से जो आज का पाकिस्तान है वो डिस्क्रिमिनेट किया था बांग्लादेशियों के साथ में, तो इस बीच में क्या होता है कि बहुत सारे जो कॉमन सिविलियंस थे बांग्लादेश में उनको मारा गया और उनके जो औरतें थे उनके साथ फिजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश किया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारा बच्चा पैदा हो गया। जनरली उस टाइप के बच्चे को कहते हैं वॉर बेबीज। तो उन सब बच्चों का भी जो आज रिकॉग्निशन है वो नहीं मिला है और कहीं ना कहीं उनको बहुत ही खराब तरीके से देखा जाता है। तो जनरली बांग्लादेश में अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है सरकार के खिलाफ तो उनको डेरोगेटरी रिमार्क से बुलाया जाता है, जहां पे रजाकार भी कहा जाता है और भी वहां के कुछ लोकल वर्ड्स होंगे। तो 15 जुलाई को क्या होता है कि शेख हसीना उन सब लोगों को रजाकार कह के बुलाते हैं जो लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वैसे ही लोगों के बीच में गुस्सा काफी था और उसके बाद इस तरीके से डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करना बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, तो कहीं ना कहीं लोगों को वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होता है और जिसके कारण इतना मैसिव प्रोटेस्ट होता है कि आज के डेट में बांग्लादेश में टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, या इनफैक्ट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का भी जो कम्युनिकेशन चैनल होता है उसको भी कंप्लीट तरीके से बंद कर दिया गया। और जहां तक बात किया जाए ये 30% फ्रीडम फाइटर कोटा के बारे में, तो बांग्लादेश के जो फाउंडिंग फादर हैं उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना उन्हीं की बेटी है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि भारत में भी होता है कि जो आज का कांग्रेस पार्टी है वो अपने आप को आजादी के आसपास पीरियड से कनेक्ट करते हैं और अपने और ये बताते हैं कि जो आजादी मिली है वो कांग्रेस पार्टी के वजह से मिली है। तो यहां पे मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि कांग्रेस पार्टी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, ऑफकोर्स उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, लेकिन मैं जस्ट एज एन रेफरेंस पॉइंट यूज कर रहा हूं। तो शेख हसीना का जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो इस कोटा से बेनिफिट उठाते हैं और जिनके फैमिली किसी भी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे। उसके बाद अगर बात किया जाए तो साल 2018 के अक्टूबर के महीने में इसी कोटा रिजर्वेशन के कारण इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था कि सरकार को इस कोटा को फ्रीज कर देना पड़ता है एक सर्कुलर को इशू करके। उसके पीछे का वजह होता है कि उसी साल के दिसंबर के महीने में चुनाव होता है। तो यहां से भी हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो पूरा कोटा सिस्टम है ये किसी ना किसी तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है। वहीं पे अगर बात किया जाए वैसे लोगों का जो इस कोटा के खिलाफ में, उनका कहना है कि ये जो कोटा 30% दिया जा रहा फ्रीडम फाइटर्स के फैमिलीज को उसको घटा के कम से कम 10% कर देना चाहिए। इसके पीछे का भी बहुत सारा वजह है। एक तो बांग्लादेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफी बड़ा है, कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण इनका जो एक्सपोर्ट था वो भी घटा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए बांग्लादेश में वो सब नहीं हो पाया है। तो इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहेंगे तो जो यंग ब्रिगेड है बांग्लादेश में उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है और ये चौथी बार शेख हसीना बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी पार्टी या सरकार बहुत दिनों तक सत्ता में रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक एंटी माहौल बनना शुरू हो जाता है और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत दिनों तक सत्ता में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो एरोगेंट भी हो जाते हैं। जैसा कि भारत के संविधान में भी है कि हमें ये हक मिलता है कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा रोजगार में, वैसे ही कुछ बांग्लादेश के भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया है इनके आर्टिकल 29 सबसेक्शन 3A में कि वैसे लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा जो किसी भी तरीके से बैकवर्ड है। मोर और लेस जो भारत के संविधान में है वैसा ही कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे भी, जहाँ पे अगर किसी भी कारण से अगर कोई बैकवर्ड है तो उनको सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बन सके। अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डेटा को माने तो इसके हिसाब से बांग्लादेश में हर 3 में से 2 लोग उस एज ग्रुप में जिसको कि हम कहते हैं वर्किंग एज ग्रुप। इसका मतलब ये होता है कि जिस देश में जितना ज्यादा लोग वर्किंग एज ग्रुप में रहेंगे वहां पे एम्प्लॉयमेंट का जो डिमांड रहेगा वो उतना ही ज्यादा रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये उस देश के जो हेड ऑफ स्टेट है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने वर्किंग एज ग्रुप के जो लोग हैं उसका बेनिफिट उठाएं। साथ में अगर बात किया जाए तो 30% जो कोटा है वो तो मिल रहा फ्रीडम फाइटर्स के फैमिलीज को, उसके बाद 10
10% जो कोटा है वो मिल रहा वुमेन और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करते हैं, साथ में 5% मिल रहा जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको, और 1% मिल रहा वैसे लोगों को जो स्पेशली एबल्ड हैं। तो कहने का मतलब है कि 100 में से 56% या 56 सीट्स जो है वो कंप्लीट तरीके से रिजर्व्ड ही हो जाता है। तो इन सब चीजों को भी कोई पढ़ के समझ सकता है कि एक जो आम जनता है उनके हिस्से में ऑलमोस्ट ना के बराबर चीजें आती है। और उसके बाद जैसा कि भारत में भी है कि गवर्नमेंट जॉब को लेके काफी क्रेज है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक प्रॉमिस मिलता है स्टेबिलिटी का, साथ में आपको एक फिक्स्ड इनकम या एक गारंटेड इनकम मिलता है जो कि प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं होता है। और साथ में अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश में प्राइमरीली दो ही बड़े मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक तो अवामी लीग है जिसके कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, और दूसरा है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। जहां तक बात किया जाए बीएनपी के बारे में तो इनके जो बहुत सारे टॉप लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, जिसके बारे में उनके फैमिलीज कहते हैं कि उनको मार दिया गया है। और इस असैसिनेशन के पीछे कहीं ना कहीं जो अवामी लीग है या जो शेख हसीना है उनका बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो मोर और लेस अगर आप इस चीज को समझना चाहें तो जिस तरीके से अननेसेसरी रिजर्वेशन दिया गया है और उसको समय पर रिव्यू नहीं किया गया है, और दूसरा बांग्लादेश में एक बहुत ही बड़ा जो ग्रुप है वो वर्किंग एज ग्रुप में हो जाता है, और साथ में क्योंकि बांग्लादेश कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया इसलिए इनके पास कोई रेवेन्यू का सोर्स नहीं बच रहा। तो मोर और लेस ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से बांग्लादेश इस प्रोटेस्ट के ऊपर कंट्रोल करते हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।